एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माही एंड आप देख रहे हैं माही वेव्स। आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपको मेरे ट्राइपॉड के बारे में बताने वाली हूँ, जो मैंने बीच में खरीदा है एंड मैं मोस्टली इसको व्लॉगिंग में यूज़ करूँगी और करती रहूँगी। एंड आप लोगों को भी धीरे धीरे उसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो काफ़ी बेस्ट है, और वो ब्लॉगिंग, सेल्फी, फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानने हैं, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहले आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और शेयर करना है इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे पास है ये ट्राइपॉड, जो मैंने बीच में ही फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था। इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है इधर, कि कैसे खोलते हैं, क्या है इसके अंदर, तो वो सब आप मैं आपको बताऊंगी अभी। स्टे ट्यून्ड। ओके, तो आ चुके। सबसे पहले आपको मैं इसको खोल के दिखाऊंगी। आप तो देख लिया होगा कि ये एक अच्छी सी प्यारी सी बॉक्स है, जो कहीं भी बहुत छोटी है, जो कहीं भी कैरी हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो मैंने इसको खोल लिया है। ओके, सो ये है एक ट्राइपॉड, जो मतलब बॉक्स से भी छोटा है, तो और भी जगह आसानी से कैरी हो सकते हैं। अगर आपके पास पॉकेट हो तो पॉकेट में भी कैरी हो सकता है, बस इतना छोटा भी नहीं है, बट हमको और कैरी हो सकता है। तो आप ये देख सकते हो, तो ये है ट्राइपॉड की लुक। हॉरिजॉन्टल ऐसा दिखता है ये। ओके, सो सबसे पहले इस ट्राइपॉड के मैं बताऊंगी इसको खोलते कैसे। तो इसको हम ऐसे खोलते हैं, ये आपको स्लीपिंग वे में काम आता है। अगर आप ऐसे गए, सबसे पहली चीज़ है, इसको आप जैसे खोलोगे ना तो आपको ये दो मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले इसको ऐसे ऊपर की साइड पुल करना है, और इसको भी ऊपर की नीचे की साइड पुल करना है, तो खुल जाएगा और ऐसा दिखेगा आपको। इस साइड से व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा ये। अब ये मोबाइल हैंडल करने में काफ़ी ईजी रहेगा। एंड ये इधर एक पुश करने के लिए है, आप पुश देख सकते हो, ये देखो, ये पुल करने की इस पर काफ़ी कैपेसिटी भी है। एंड आप देख सकते हो, ये अगर आपको मोबाइल को सीधा रखना, हॉरिजॉन्टल रखना है तो ये काम आ सकता है। एंड अगर आपको इसको सीधा रखना है तो भी काम आ सकता है, तो ये ऐसे मूव होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभार ये जो पुल साइड है, लोग उसको से नीचे लगा देते, फिर ये खींचता नहीं है और प्रॉब्लम होता है। तो याद रखना, ये जो होता है पुल साइड जो है, उसको हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है एक सेल्फी स्टिक बन चुका है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, तो ज़्यादा एक्सटेंड होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट है इस ट्राइपॉड की, वो देखने मिलेगा, बस आप लाइक करो इस वीडियो को। चलिए थोड़ा सा लंबा करते हैं। ओके, काफ़ी लंबा है ये मंच। सो मैंने इसको लंबा कर लिया है, आप देख सकते हैं ये ट्राइपॉड है। मैं तो ऐसे रखा है, लेकिन आप इसको सीधे भी रख सकते हैं, एंड एज यू विश। सो बस इसके पीछे ये आता है, तो ये कोई बस ऐसा एक फैशन डिज़ाइन के लिए, बट ये इसको कुछ दबाना नहीं है, दबता भी नहीं है वैसे, बट या तो इतनी लंबी रॉड है। ओके, सो ये इतनी लंबी रॉड है, तो इसमें छोटा कर लेते हैं आप। ओके, छोटा भी हो गया। अभी ये इसके अंदर मैं आपको कहा था एक सीक्रेट है, तो वो सीक्रेट मैं अभी रिवील करने वाली हूँ। तो इसके अंदर एक छोटा सा बटन है इधर, इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। ये जगह यू की तरफ बन जाएगा ये स्पेस, और इसके अंदर ऐसे डाल भी सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं। सो ये एक बटन है जो आपको आपके कोई भी मोबाइल से कनेक्ट कर लेने का, ज़रूरी नहीं कि वो सैमसंग हो या एंड्रॉयड मोबाइल हो, वो आईफोन से भी कनेक्ट हो सकता है। एंड ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है, ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होता है ये, और कोई इसका चॉइस नहीं है कनेक्ट होने का। ये इधर छोटा सा कैमरा का बटन है, वो कैमरा का बटन आप दबाते हो तो अगर आप ऐसे सेल्फी खींच रहे हो, तो वो बटन आप इधर रखा हुआ होता है तो ऐसे लगा देगा आपका। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब इसको लिया था तो मैंने गड़बड़ किया था, मैं ऐसे लगा रही थी, ऐसे नहीं लगाया जाता, ये यू शेप है, मीन्स ऐसे लगेगा ये। एंड जब आपको कुछ हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं।
फिलहाल मैंने भी इसको अपने मोबाइल से कनेक्टेड रखा है फिलहाल, कि आप लोगों को थोड़ा आपको समझ आए कि ये कैसे कनेक्टेड होता है, और आपको प्लस पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी। आप बस इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को। एंड ये सेल्फी स्टिक के लिए रेडी है। अब आप ये सेल्फी स्टिक बन गई है, एक छोटी सी ऐसे ट्राइपॉड बन गई है। ट्राइपॉड नहीं, ट्राइपॉड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी, बस थोड़ी देर स्टे ट्यून। तो ये सेल्फी स्टिक बन चुकी है, मतलब आपको पता चल चुका है, छोटी सी एक वीडियो बन चुकी है, इधर पास आप रख सकते हैं तो वो भी है। अब थोड़ा लंबा करके मैं आपको ट्राइपॉड कैसे बनाती हूँ वो बताती हूँ। ओके, तो अभी आपने देखा कि इससे फोटो कैसे लिया जाता है, अब मैं बताऊंगी वीडियो। जैसे फोटो और वीडियो में इस ट्राइपॉड से और इस बटन से फर्क नहीं है, बस आपको कलर ये इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है एंड देन आपको वीडियो मोड में जाना है, बस दबा देना है। तो ये है मेरा वीडियो जो आप लोगों के लिए है। ओके, तो अभी ये ट्राइपॉड को मैंने एक बड़े ट्राइपॉड में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताती हूँ। तो इधर एक ऐसे खींचने का जो मैंने आपको पहले बता दिया, इसको जोर से खींच लीजिए, काफ़ी एक्सटेंड होगा ये, काफ़ी एक्सटेंड होगा। तो ये सेल्फी स्टिक मेरा बन गया। अब इधर एक छोटा सा होल होगा जो आप देख सकते हैं, ये इधर छोटा सा होल होता है, आपको उसके बीच में ऐसे उंगली लगा कर खींचना है। एक खींच गया, दूसरा और ये तीसरा। जब आप ट्राइपॉड छोटा है, जब भी आपका सेल्फी स्टिक के साथ छोटा होता है, तो ये देखिए आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये देखिए ये लंबा होते जाएगा, क्योंकि ये छोटा हो रहा है तो ये लंबा होगा इस साइड, तो तब ये ट्राइपॉड की तरह नहीं खड़ा होगा। लेकिन जब ये फुल ऑन बड़ा खड़ा होगा, जब ये फुल ऑन बड़ा होगा, जब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, तब ये ट्राइपॉड की तरह बनेगा, क्योंकि इधर कोई भी रॉड नहीं आ रहा। अभी आप देख सकते हैं इधर कोई भी रॉड नहीं आ रहा, तो इधर ट्राइपॉड की तरह खड़ा होगा। तो ये मैंने इधर ट्राइपॉड की तरह खड़ा कर दिया है, ये ट्राइपॉड खड़ा कर दिया है। एंड इसका जो बटन है जो मेरे पास है, जो एक्चुअली नीचे लगाया जाता है, जो बता दिया है, वो बटन से हम सपोज हम लोग कोई फैमिली फोटो ले रहा है, तो इस बटन इसको इधर रखा जाएगा एंड इस बटन से मैं फोटो खींचूंगी जो अभी आप लोगों के स्क्रीन में है। तो अभी जब ये ऐसे स्टैंडिंग में होता है तो ये ऐसा आता है, देख सकते हाई। तो ये है मेरा सेल्फी मोड जो मैंने जैसे पकड़ के रखा है। एंड मैंने एक चीज नोटिस की है जब वो आया था, आप ट्राइपॉड से जब सेल्फी मोड में लाओगे तब आपको जो नीचे का रॉड होता है जिससे आप ट्राइपॉड वो रॉड को हटा के आप ट्राइपॉड बना सकते हैं ना, वही रॉड को आपको कम करके ही आप सेल्फी स्टिक बना सकते हैं, क्योंकि नीचे ट्राइपॉड का एक रॉड होना चाहिए तो ही वो ट्राइपॉड की जो 3 पार्ट्स है वो बंद हो पाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है वो मैंने बंद किया है क्योंकि इसके अंदर जो रॉड है, एक सेकेंड, इसके अंदर जो रॉड है वो कंपलसरी है, जब वो कंपलसरी है कि अगर वीडियो शूट करा, सॉरी अगर वीडियो शूट करा तो वो कंपलसरी है। तो ये है मेरा सेल्फी मोड जो काफ़ी एक्सटेंड हो सकता है, और जैसे इसकी रिलेटेड एक वीडियो भी आप फोटो भी देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो ये वीडियो के रिलेटेड, ये ट्राइपॉड के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपका कमेंट आप इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव हो तो इंस्टाग्राम में लिखिए और मेरे को फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मस्ती के साथ। तो इधर मैं तो व्लॉग एंड करती हूँ, आई होप मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।